हेलो दोस्तों, एमएस मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू गुप्ता। अभी अभी आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए थीप इज स्टॉप्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 350 मीटर्स। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स द चेस, द थीप ऑल्सो स्टार्ट्स रनिंग, एज्यूमिंग द स्पीड ऑफ द थीप एज 7 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ पुलिसमैन एज 12 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार द थीप वुड हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। यहाँ पर हम मान लेते हैं पुलिस और पोजीशन ऑफ थीप, यहाँ मान लेते हैं इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखा है वो 350 मीटर दे रखा है, जो कि शुरुआत में यहाँ कह रहा है। उसके बाद पुलिस की जो स्पीड है वो कितना है, पुलिस की जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। पुलिस की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, जो थीप की स्पीड है वो कितना है, 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि पुलिस जो है वो चोर को पकड़ते पकड़ते जो चोर है वो टोटल कितना दूरी तय कर लेता है, मतलब जब तक वो चोर नहीं पकड़ा जाता तब तक कितना दूरी तय करता है। तो अब यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए ऐसे ध्यान समझिएगा कि इन दोनों के बीच की दूरी है 350 मीटर। अब जब पुलिस और चोर दोनों के बीच की दूरी 350 मीटर और पुलिस शुरू करता है चोर को पकड़ना, ठीक है, तो जैसे ही वो चोर को पकड़ना शुरू करता है चोर भी भागता है और पुलिस भी भागता है। ध्यान देना है दोस्तों कि चोर भी भागता है और पुलिस भी भागता है, और चोर का स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर और पुलिस की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पर अंतर इतना ही है कि चोर का स्पीड जो है पुलिस की तुलना में कम है, इसलिए पुलिस धीरे धीरे चोर के नज़दीक आता जाएगा और ये जब 350 मीटर की दूरी ख़त्म हो जाएगी वो आसानी से चोर को पकड़ लेगा। तो 350 मीटर की दूरी को ख़त्म करने में जितना भी टाइम लगेगा उतना देर ये दोनों दौड़ेगा। दोस्तों यही कॉमन सेंस लगाना है कि 350 मीटर की जो दूरी दोनों के बीच में गैपिंग बना हुआ है, जो गैप अप बना हुआ है, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक तो दोनों भागते रहेंगे, और ये जैसे ही ख़त्म हो जाएगा वैसे ही वो चोर जो है पकड़ा जाएगा, फिर उसके बाद तो नहीं भागेगा। यानी कि कुल मिला जुला कर बात यही है कि जब तक ये 350 मीटर नहीं ट्रेवल की, ये दोनों के बीच की जो गैपिंग है नहीं ख़त्म होगा तब तक चोर नहीं पकड़ा जाएगा, और तब तक चोर भी दौड़ेगा और पुलिस भी दौड़ेगा। यानी केवल ये टाइम ड्यूरेशन निकालना है कि 350 मीटर कितने समय बाद ख़त्म होता है। जितना टाइम वो ख़त्म होता है उतना टाइम चोर चला है, और चोर की स्पीड ऑलरेडी हमें पता है, और जितना टाइम लगेगा दूरी ख़त्म होने में उतना गुने चोर की जितनी स्पीड है उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल मिला के चोर का जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो निकल जाएगा। दोस्तों बस ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस लगाइएगा तो ये आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिक तरीका भी हम बताएंगे और यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे। दोनों के बीच की दूरी को हम d मान लेते हैं, यहाँ पर d रख लेते हैं, और दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड ही केवल है। रिलेटिव स्पीड मतलब कि दोनों के बीच का साथ साथ किलोमीटर, तो दोनों बराबर बराबर चलेंगे तो बराबर बराबर जब चलेंगे तो इनकी दूरी बराबर बराबर रहेगी, लेकिन इसका 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है इसके तुलना में, यानी यही रिलेटिव स्पीड हुआ, 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे करके ये जो 350 मीटर का गैपिंग वो ख़त्म करते जाएगा पुलिस, और एक समय ऐसा आएगा कि चोर पकड़ा जाएगा क्योंकि पुलिस की स्पीड ज़्यादा है। तो ये कॉमन सेंस लगाना है दोस्तों, कॉमन सेंस अगर लगाते हैं तो हम लोग को समझ में आता है। इट मीन्स कि इन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड हमें निकालना, तो हम पुलिस को हम पी मान लेते हैं, तो पी का स्पीड बड़ा वाला जो ज़्यादा है, और थीप का स्पीड टी एस, यानी कि पुलिस की स्पीड माइनस थीप की स्पीड, ये रिलेटिव स्पीड हो गया। और ये डिस्टेंस में इससे भागा दे देना है, डिस्टेंस में अगर हम स्पीड से भागा देते हैं तो हमें टाइम निकल जाता है, और यही डिस्टेंस मतलब ये 350 मीटर जो ख़त्म हो रहा है वो क्यों ख़त्म हो रहा है, वो 5 किलोमीटर पर आवर जो है पुलिस की स्पीड ज़्यादा इसकी वजह से ख़त्म हो रहा है। तो ज़्यादा जो स्पीड है वो उसकी वजह से ख़त्म हो रहा है, तो वो स्पीड की वजह से टोटल टाइम कितना लगता है गैप ख़त्म करने में, तो ये टोटल टाइम कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। और गुणा कर देंगे हम किससे, तो थीप का स्पीड से गुणा कर देंगे, यानी थीप का निकालना है हम ना कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया। अगर पुलिस का निकालना होता तो यहाँ पुलिस की स्पीड से गुणा कर देते, लेकिन थीप का निकालना है तो थीप की स्पीड से गुणा कर देंगे, और बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बस आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पर ये तो शॉर्टकट ट्रिक हमने रख दिया, यहाँ पर शॉर्टकट फॉर्मूला रख दिया, और अब आसानी से बना सकते हैं। बेसिक तरीका से ये बन जाता है कि बेसिक तरीका से पहले हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग टाइम अलग से निकाल लेंगे भागा देकर, और फिर उसको हम लोग थीप की स्पीड से मल्टीप्लाई करने का, और ये हमने डायरेक्ट कर दिया। फिलहाल तो रिलेटिव स्पीड हमको निकालना है, तो 12 घटाओ 7 करते हैं तो 5 किलोमीटर पर आवर जो है वो कहीं ना कहीं रिलेटिव स्पीड हो जाता है, और यहाँ पर गैप जो दिया हुआ वो 350 मीटर में दिया हुआ, इसलिए हमको इसको भी मीटर में बदलना होगा, रिलेटिव स्पीड को भी। तो 5 किलोमीटर को रिलेटिव स्पीड मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से गुणा कर लेते हैं, तो
50 25/18 ये हो गया टोटल रिलेटिव स्पीड। अब यहाँ पर हम लोग अगर इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं तो लिखेंगे डिस्टेंस टोटल है 350 बटे में कितना हो जाएगा 50 25 यानी 25/18 ठीक है दोस्तों, इनटू स्पीड ऑफ थीप, स्पीड ऑफ थीप कितना है 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर ना लिखे 7 × 5/18 लिखें क्योंकि इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे क्योंकि किलोमीटर में। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों कि 18 से 18 सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा और 25 से भाग देंगे 350 में तो 14/12 में कैंसिल हो जाएगा। 7 × 35 × 14 करना है हमको, 7 × 35 × 14 करते हैं तो 14 × 5 = 70 हो जाता है, 14 × 3 = 42, 42 × 7 = 49 यानी कि 490 मीटर। यानी कुल मिला जुलाकर दोस्तों जो है वो चोर जो है उसको पकड़ते पकड़ते, पुलिस को पकड़ते पकड़ते चोर टोटल 490 मीटर जो है वो दूरी तय कर लेगा। यानी फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा 490 मीटर्स। ठीक है, धन्यवाद।